हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को विटमिनी कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि इसका कैसे यूज करो अपने चेहरे पर तो आपको फ़ायदे मिले। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होंगे जो कि विटमिनी कैप्सूल को यूज करते होंगे और बहुत से लोग होंगे जो कि इसके बारे में जानते होंगे लेकिन यूज नहीं करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इसके बारे में बिल्कुल भी जानते तक भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इसके बारे में बहुत ही सही से और डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये जो विटामिन ई कैप्सूल है फ्रेंड्स, ये विटामिन की कैप्सूल है और विटामिन ई की कैप्सूल है, और ये जो होता है ये हमारी स्किन और हेयर के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी होता है। कुछ लोग इसे खाते भी हैं लेकिन मैं खाने को नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना खाना सही नहीं होता है। तो मैं इसे आप लोग को चेहरे और हेयर में बताऊँगी कि आपको किस तरह सही तरीके से यूज करना होगा। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि इस कैप्सूल को निकालते हैं फ्रेंड्स और डायरेक्ट इसे ओपन करके अपने चेहरे पर लगा लेते हैं इस कैप्सूल के ऑयल को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह अगर आप करोगे तो फ्रेंड्स आपके ओपन पोर्स जो होते हैं बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसका ऑयल जो होता है काफ़ी थिक होता है, और थिक होने की वजह से आपके चेहरे के जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर दाने पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी ओनली इसे नहीं यूज करना है, इसको सही तरीका मैं बताऊँगी यूज करने का। तो फ्रेंड्स, यही है कि आपको इसको डायरेक्टली नहीं यूज करना है अपने चेहरे पर, और इसको यूज करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से काफ़ी मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स। तो मैं पहला यूज बताऊँगी फ्रेंड्स आप लोग को गुलाब जल के साथ। इस ऑयल को निकालिए और 2 से 3 ड्रॉप आप गुलाब जल को लीजिए और अपने हाथों में मिक्स करके आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी और एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करेगा। लेकिन ओनली वन इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, खासकर समर सीजन में तो बिल्कुल नहीं। समर सीजन में इसे बिल्कुल भी आप इसे अकेला मत यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है काफ़ी थिक होता है, आपके पोर्स को बंद कर देगा और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, इसे आप ऑयल के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑयल पतला होता है और इसका जो इसकी जो थिकनेस होती है काफ़ी डार्क होती है। तो फ्रेंड्स, इसको दोनों को मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिएगा, एक कैप्सूल एक दिन में आप अपने चेहरे पर मत लगाइए, हाफ ही लगाइए, हाफ ऑयल इसका निकालिए और थोड़ा सा इसको मिक्स करके अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपके डार्क स्पॉट चेहरे के दाग धब्बे रिमूव होंगे, चाहे वो कैसे भी दाग धब्बे हों वो आपके रिमूव हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो। ग्लिसरीन के साथ अगर आप यूज करोगे तो आपके चेहरे के ड्राईपन को बिल्कुल हद तक ये दूर करेगा। ड्राईपन, जैसे कि जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा, चाहे वो गर्मियों का सीजन ही क्यों ना हो। तो आप इसे दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो आपकी स्किन की ड्राईपन बिल्कुल दूर होगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और दाग धब्बे भी रिमूव होंगे, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो हमारे दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और साथ ही आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। तो और चौथे नंबर पर फ्रेंड्स मैं बताने वाली हूँ जेल के बारे में। जेल आप कोई भी लें, चाहे पपाया का जेल लें या एलोवेरा जेल लें या जो संतरे का जेल आता है, ऑरेंज जेल भी आता है, कुकुम्बर जेल आता है, जो भी जेल आपके पास हो आप यूज करते हो उस जेल के साथ इस विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करके आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो फ्रेंड्स इतना अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, इसका भी इफेक्ट आपको मिलेगा, उसका भी मिलेगा जिस चीज़ को आप इसमें यूज करोगे। इससे आपके चेहरे पर दाग धब्बे रिमूव होंगे, ग्लो आएगा आपके चेहरे पर, फेयरनेस आएगा, बहुत सारे फायदे ही फायदे मिलेंगे। बस ये जो है कैप्सूल बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है, बस इसे यूज करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ तरीके मैं आप लोग के साथ 3 से 4 तरीका आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो।
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय।